हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है आप सबका? तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ वुड स्टेन के बारे में। क्या है वो प्रोडक्ट वुड स्टेन, एंड जो जैसे हम अपनी घर की दीवारों के लिए शेड्स बनाते हैं, कलर कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं, वैसे ही वुड स्टेन आता है। वुड पॉलिश से पहले आप अपनी वुड को मनपसंद शेड्स और कलर दे सकते हैं। उस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, क्या है वो प्रोडक्ट एंड कौन से आप शेड्स उसमें, कलर उसमें बना सकते हैं। ये इंटीरियर भी आता है, एक्सटीरियर भी आता है। इंटीरियर में 9 कलर है जो आप उससे बना सकते हैं, और 9 के अलावा आप मिक्स करके आपस में कौन से वो शेड बना लेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा, और उसका शेड कार्ड भी दिखाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर भी जरूर करना। चलिए मैं आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ और आगे इसके बारे में बात करें। चलिए दोस्तों ये रहा वो प्रोडक्ट, वुडटेक वुड स्टेन है दोस्तों। ये इंटीरियर के लिए यूज होता है, सॉल्वेंट बेस्ड ये डाई हम बोल सकते हैं, जो बहुत ही एक एक्सीलेंट ट्रांसपेरेंट शेड देती है एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी एंड यूनिफॉर्म फिनिश देती है आपकी वुड को जो आप पॉलिश करते हैं। तो इजी टू एप्लीकेशन दोस्तों, आसानी से आप इसे इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप एक्सक्लूसिव आपको शेड्स मिल जाएंगी 9 तरह की। और ड्यूरेबिलिटी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो ड्यूरेबिलिटी इसकी मीडियम है, और अवेलेबल शेड की अगर मैं बात करूं इसकी तो 9 शेड आपको इसमें इंटीरियर में मिल जाएंगे दोस्तों। टीक है, चारकोल है, वालनट आता है, रेड ब्राउन रेड आता है, ग्रीन आता है, वेंज आता है, ओक येलो आता है, और रोजवुड आता है इसमें शेड्स। तो आगे इसकी दोस्तों मैं पैकिंग की बात करूं तो पैकिंग आपको इसकी 100 ml, 500 ml, 1 लीटर और 5 लीटर में मिल जाएगी आसानी से। और ड्राइंग टाइम का बात करूं 30 मिनट का होता है दोस्तों। और कवरेज की इसकी मैं बात करूं तो एक कोट में ये 5 से लेके 6 स्क्वायर मीटर पर लीटर में आपको ये देगा कवरेज। ये थोड़ा बड़ा वेरी कर सकता है आपकी वुड पे कि कैसा सरफेस है और कैसा उसकी फिनिश है। तो दोस्तों इसे लगाना कैसे है, आप आसानी से पहले जो वुड की प्रिपरेशन कर लें, अच्छी तरह से उसे क्लीन कर लें। जो सैंड पेपर आता है 180 एंड 320 और 400 ले सकते हैं, अच्छी तरह क्लीन और लूज पार्टिकल सारे आप निकाल लेने। आप इसे स्प्रे से और रैगिंग से जो मूसली क्लॉथ आता है उसे आसानी से वुड पे लगा सकते हैं। इसमें कुछ भी मिक्स करने की आपको ज़रूरत नहीं है, सीधे ही आपने इसे लगाना है। पहले आपने सैंड कर लेनी है अच्छी तरह से वुड, और उसके बाद आपने मूसली क्लॉथ होता है जो उसे लगा सकते हैं इसका कोट। एंड आगे क्या करना है, आपने क्रिएट कर सकते हैं अपनी डिजायर शेड, वो आगे आपको मैं दिखा देता हूँ शेड कार्ड में कैसे। और इसे 30 मिनट तक का सूखने देना है, फिर आप सीलर का कोट वगैरह लगा सकते हैं इस पर। तो दोस्तों ये डायरेक्ट शेड आपको मिल जाएगी, जैसे वालनट है, वालनट जे, वालनट एन, ये टीक, रेड ब्राउन, ये सारी शेड्स आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगी। ये इंटीरियर में होगा आपको शेड सारी, और इसके अलावा मिक्स एंड मैच शेड जैसे ये आप देख सकते हैं, ये अगर आपने कोई शेड्स बनानी है मिक्स एंड मैच करके ये सारा दिखाया। जैसे 3 आप ओक येलो ले सकते हो, 1 रेड ले सकते हो, 1 चारकोल ले सकते हो, और ऐसी आपको शेड मिल जाएगी। ऐसी सारी ही शेड देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी कितनी आपने ड्रॉप्स लेनी है, और उससे आप शेड्स बना सकते हैं। ये देखिए मैंने जो इसका पहले भी शेड कार्ड अपनी यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ये देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं और अपनी मनपसंद ऐसे शेड्स बना सकते हैं। अगर ज़्यादा बनानी है उससे आप वैसे ही ड्रॉप्स ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये देखिए अगर आपने ये ग्रीन बनानी है, ऐसी शेड बनानी है, 1 ग्रीन ले सकते हो, 5 आप ओक येलो ले सकते हो। अगर थोड़ी ज़्यादा बनानी है आप 2 ग्रीन कर सकते हो, 10 आप ओक येलो कर सकते हो, ऐसे ऐसे करके आप सारी शेड्स इनमें बना सकते हो। ये देखिए ये मिक्स एंड मैच शेड्स है, जो 9 शेड है वो डायरेक्ट आपको मिल जाएंगी मिक्स एंड मैच शेड, ये सारी आप बना सकते हो। ये देख लीजिए, आप नोट भी कर सकते हैं। ये देखिए और नीचे लिंक है, आप वहाँ से जाके पूरा शेड कार्ड दे सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है ये बहुत ही आसान लिखा हुआ है दोस्तों। जैसे आप सैंड का सरफेस कर सकते हैं क्लीन वुड सरफेस, उसके बाद आप क्रिएट डिजायर शेड ले सकते हैं, टून ले सकते हैं, जो अगर सीधी लगानी है सीधी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। दे देखिए मूसली क्लॉथ के साथ, और 30 मिनट तक उसे सूखने दे, उसके बाद आप सीलर लैक्कर का कोई भी कोड लगा सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों ये था एशियन पेंट का वुड टेक, जो आप शेड दे सकते हैं मनपसंद अपने जो वुड को वुड पॉलिश करने से पहले। दोस्तों इसकी प्राइस की बात करूं दोस्तों, 1 लीटर इसकी MRP 353 है, 350 340 से कम भी आपको मिल सकता है मार्केट में। तो
ये इंटीरियर में था, ये सोलेंट बेस है, इससे अलग जो आता है एक्सटीरियर में वो आता है वाटर बेस आता है दोस्तों, उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा। तो कैसे लगी वीडियो इसके बारे में आपको जान के, अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कीजिएगा, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।